विद्युत विनियामक आयोग यानी कि RERC ने घरेलू यानी कि NDS और औद्योगिक सहित सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं के बिलों में आने वाले स्थायी शुल्क में औसतन 10% की बढ़ोतरी कर दी है। इसके साथ ही BPL और छोटे उपभोक्ताओं की बिजली 1.25 रुपए प्रति यूनिट तक महंगी कर दी गई है। इससे जयपुर, अजमेर और जोधपुर डिस्कॉम को सालाना 1500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होगी। हालांकि सरकार की ओर से BPL और 100 यूनिट तक उपभोग पर फ्री बिजली योजना के कारण अधिकांश उपभोक्ताओं पर इसका कोई भार नहीं आएगा, मगर अनरजिस्टर्ड 32 लाख घरेलू और औद्योगिक श्रेणी सहित 45 लाख उपभोक्ताओं पर स्थायी शुल्क का भार पड़ने वाला है। RERC के चेयरमैन BL शर्मा और सदस्य डॉक्टर राजेश शर्मा और इनके साथ हेमंत कुमार जैन के कॉरम ने यह आदेश जारी किया है। आयोग के चेयरमैन BL शर्मा का इस महीने में कार्यकाल पूरा हो रहा है और आपको बता दें कि आयोग ने डिस्कॉम से 2 तिमाही का फ्यूल सरचार्ज भी उपभोक्ताओं से वसूली की अनुमति दे दी है और इसका भी उपभोक्ताओं पर 60 पैसे प्रति यूनिट तक आर्थिक भार पड़ने वाला है। प्रदेश में 1,29,09,968 घरेलू उपभोक्ता है। इनमें से 98,23,314 को निःशुल्क बिजली योजना के तहत 5,771,00,000 रुपए की राशि का अनुदान मिलता है। और आप देखिए कि 15 लाख ऐसे उपभोक्ता है जिनका उपभोग 100 यूनिट से कम है मगर उनका कनेक्शन फ्री बिजली के लिए रजिस्टर्ड नहीं है। ऐसे में पूरा बिल वो चुकाते हैं। प्रदेश में गर्मियों की छुट्टियों मई और जून में स्कूल बंद रहते हैं और अपने सोलर प्लांट की बिजली का उपयोग ये नहीं कर पाते हैं। डिस्कॉम इन स्कूल्स को सोलर प्लांट की बिडिंग रेट के साथ ही 40% अतिरिक्त भुगतान करेगा ताकि गर्मियों में बिजली संकट के कारण आम घरेलू उपभोक्ताओं को कटौती जैसी समस्याओं से राहत मिल सके। प्रदेश में सुबह और शाम ज्यादा बिजली उपभोग को देखते हुए घरेलू, इंडस्ट्रियल और EV चार्जिंग स्टेशंस वाले HT कनेक्शंस पर TOD टैरिफ लागू की गई है। इन कनेक्शंस की सुबह और शाम के समय में महंगी बिजली मिलेगी। इसके साथ ही आप देखिए कि सुबह 6 से 8 बजे तक 5% और शाम 6 बजे से 10 बजे तक 10% तक सरचार्ज उपभोक्ताओं को देना होगा। दोपहर 12 से 4 बजे तक उपभोग बिजली पर 10% की छूट भी दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, राजस्थान।